मुकेश अंबानी ने बेटे की शादी में जो कुछ किया अब वो वायरल हो गया है। जो बड़े से बड़े तुर्रम खान नहीं कर पाए वो अंबानी ने कर दिया। जी हाँ, संस्कृति, संस्कार और सनातन, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के लाडले की शादी में इन सब का एक ऐसा संगम दिखा कि लोग भावुक हो गए और देखते रह गए। अंबानी परिवार ने शादी में संतों को बुलाया, गुरुजनों को जगह दी, जगत गुरु, आध्यात्मिक धर्म गुरुओं का सम्मान किया। दुनिया के अमीरों की श्रेणी में आने वाले भारत के सबसे टॉप बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में हर तरफ सनातन की ऐसी छटा दिखी कि मेहमान भी मंत्रमुग्ध हो गए, सोचने वाले सोचते रह गए। लेकिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, शिव शंभु सबकी झलक दिखी। श्री कृष्ण हो या फिर गजराज, मुकेश अंबानी ने भारतीय संस्कृति और परंपरा का समा ही बांध दिया। यही नहीं, मुकेश अंबानी ने फिर जो कुछ बोला वो आपकी आंखें भी नम कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। मुकेश अंबानी का परिवार काफी आध्यात्मिक है। आए दिन अंबानी परिवार अपने सनातन परंपरा को दिखाता रहता है। कोई भी पर्व हो, छोटा मोटा इवेंट ही क्यों ना हो, ये परिवार हमेशा संस्कृति को बांधे लिए चलता है। अनंत और राधिका की शादी में भी हिंदू संस्कृति साफ नजर आ रही थी। जय श्री कृष्ण की गूंज हो या फिर श्री हरि को याद करना, श्री राम के धुन से पूरी शादी समारोह में लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यही नहीं, अपने लाडले की शादी में मुकेश अंबानी ने मेहमानों के सामने सनातन हिंदू विवाह का महत्व बता दिया, वेदों में विवाह का कर्तव्य समझा दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता और अंबानी मर्चेंट परिवार के सभी बड़ों का आवाहन करते हुए शादी की विधि को निभाया। मुकेश अंबानी को सुन कई लोग भावुक हो गए। इतनी शानो शौकत और अताह पैसा होने के बावजूद अंबानी परिवार का भक्ति भाव खत्म नहीं हुआ। फेरों से लेकर मुकेश अंबानी ने मेहमानों के सामने साफ कर दिया कि हिंदू परंपरा और संस्कृति विवाह को बहुत पवित्र मानता है और इसका महत्व बहुत है, जबकि सनातन के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सबसे जरूरी है। बहरहाल, आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और देखते रहे एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।